नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज जो है हम बात कर रहे हैं पता किस चीज़ पे, जो गाड़ी कन्वर्ट नहीं करती है स्विच पे, जैसे कि सीएनजी पे नहीं जाती है और टू 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 करने लगती है। जैसे गैस, पहले तो आपको देखना है कि गाड़ी में गैस है कि नहीं है। स्विच पे लाइट जलता है उससे मतलब नहीं है, घड़ी देखना, घड़ी प्रेशर कितना दिखा रहा है। एक बार जैसे कि हम बता दें, घड़ी पे आपको देखना है तो घड़ी ज़रा दिखा दो बाबू, भाई नज़दीक लग जाओ। इस तरह से आपको घड़ी पे दिखना चाहिए, घड़ी पे गैस कितना दिखा रहा है। जीरो पे जैसे नीचे लटका है सुई, जीरो पे नहीं होना चाहिए। आ जाओ, सबसे पहला काम मीटर वहाँ स्विच पे दिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आपको घड़ी पे गैस दिखना चाहिए, पहली बात तो ये होगी। अब चलिए आगे चलते हैं कि और आपको इलेक्ट्रिक में क्या क्या चीज़ें चेक करने वाला है जनरली, जो आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ, अगर इससे नहीं पता चलता है तो आपको क्या करना है कि सीधे मिस्त्री को दिखाना है, जो मिस्त्री सॉफ्टवेयर लगा करके ये चेक कर पाए कि गाड़ी में दिक्कत आपके है क्या। वो चार चीज़ें हैं, आइए आपको दिखाते हैं बारी बारी। पहली चीज़ आपको ये चेक करना है, बैटरी का तार। दिखाओ बैटरी, और नज़दीक करो, ये बैटरी का तार आपको देखना है। ये देखो, ये माइनस का तार लगा है, दोनों ऐसे वायरिंग के अंदर से आया है और ये लगा। बैटरी का तार अगर ढीला रहेगा तब भी आपकी गाड़ी दिक्कत करेगी। ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका प्लस। बैटरी का तार आपको बढ़िया तरीके से टाइट होने चाहिए। ये ढीला रहेगा तब भी दिक्कत करेगा, ये ढीला रहेगा तब भी दिक्कत करेगा। अगर इस पे कार्बन है तो भी दिक्कत करेगा। ये दोनों तरफ आप देखो, पॉजिटिव पे कार्बन ज़्यादा जमता है और निगेटिव कार्बन कम जमता है। आप बैटरी कभी भी लगाओ सीएनजी गाड़ी में खास करके, तो बैटरी आपको ओरिजिनल लगानी चाहिए, ब्रांडेड, जैसे कि एमरॉन और एक्साइड, यूको, मतलब ये सारी, मतलब जो थोड़ा ब्रांडेड बैटरी हो। लोकल बैटरी आप लगाते हो तो ही तेजाब जब ख़राब होता है पुराना होने के बाद, यहाँ आपका दिक्कत करता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको ये चेक करना है, इस फ्यूज में आपका ये प्लस वाला जब देखोगे तो इसमें आपको एक तार लगा हुआ है फ्यूज, ये फ्यूज चेक करना है। ये फ्यूज आप हटाओगे, ऐसे फ्यूज निकालोगे, ये फ्यूज चेक कर लोगे, ठीक है। और ये फ्यूज के साथ साथ बता दें, ये होल्डर भी कई बार यहाँ जड़ से टूट जाता है, यहाँ जड़ से टूटता है, इसको अभी आपको चेक करना है। तो ये आपको इतना चेक करना है, इतना चेक करने के बाद आपको देखना है और इसके आगे क्या चीज़ देखना है वो आपको बता दें। अब देखना है क्वाइल जो लगा हुआ है रिड्यूसर का, क्वाइल के तार तो नहीं ब्रेक है, वो भी कई बार जड़ से टूट जाता है या तो निकल जाता है और प्रेशर वहाँ कम पहुँचता है, ठीक। आइए आपको दिखाते हैं रिड्यूसर का तार, रिड्यूसर का तार दिखाओ, ये वाला, ये रिड्यूसर का दोनों तार हो गया। ये दोनों तार आपको देखना है कि ये निकला तो नहीं है या जड़ से टूटा तो नहीं है। देखो क्वाइल पे तार लगा है, वो चाहे जिस प्रकार का उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये भी निकला रहेगा तो दिक्कत करेगा। एक हो गया, दूसरा आपका ये मैप सेंसर का तार, ये भी दिखाओ, ये मैप सेंसर, मैप देखो इसको बोलते हैं मैप, मैप सेंसर का तार जो ये लगा हुआ है ना होल्डर, ये भी अगर आपका निकल जाएगा तो भी ये गाड़ी दिक्कत करेगी, तो भी गैस पे गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना। और तीसरा, और आपको दूसरा चीज़ देखना है, ये इंजेक्टर पे, ये इंजेक्टर जो लगा, एयर फिल्टर हटा करके देखोगे इंजेक्टर आपको दिखेगा, उधर करो, उधर करो, और आपको देखना एयर फिल्टर हटा करके देखोगे तो इंजेक्टर आपका जो है तार लगा है इंजेक्टर के ऊपर ना, वो भी तार आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मोटा मोटी। जो तो ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी आपको, पहला आपको चेक करना, पहला काम बैटरी, दूसरा काम फ्यूज, तीसरा काम क्वाइल, चौथा काम मैप सेंसर, पांचवा काम इंजेक्टर पे जो तीन सिलेंडर गाड़ी है तीन तार लगे होंगे, चार सिलेंडर गाड़ी तो चार तार लगे होंगे, मतलब चार होल्डर लगे होंगे, तार तो आठ होंगे, तो वो होल्डर भी कई बार एक को निकल जाएगा तो गाड़ी आपकी कन्वर्ट नहीं करेगी, वो टू 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 करने लगेगी। ये पांच चीज़ हमने दिया है आपको, एक गुरु मंत्र है भाई साहब, एकदम आसानी से आप ये पांचों चीज़ें चेक कर लेते हो। जब आप लोग फ़ोन करते हो कि हाँ गाड़ी कन्वर्ट नहीं हो रही है तो भाई मेरे समझ से बाहर चला जाता है, आपको डायरेक्ट सर्च करना हो, डायरेक्ट देखना है और ये चीज़ आपको एकदम समझ लेना है। और अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है तो आपको ज़रूर देखना है। और ये वीडियो आपके मित्र जो लोग हैं, जो सीएनजी से जुड़े हुए हैं, जो सीएनजी गाड़ी रखे हुए हैं, उसको प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वर्क जरूर करेगा, और ये सत्य है कि वर्क करेगा। तो इस वीडियो को हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके हित मित्र के पास भी इस वीडियो को देखें और भेजें, और उनको भी बोले कि एक बार देख लो, समझ लो, कभी काम आएगा। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पेज पे हो तो फॉलो कर लेना, ये भी दोनों बातें एकदम सत्य है, क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरी तब दिखता है जब हमें आवश्यकता पड़ता है, तब हम परेशान होते हैं। तो परेशान होने से अच्छा है कि आप लोग पहले से ही अलर्ट रहें, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने गाड़ी में सीएनजी लगा रखी है और खास करके सिक्वेंशल, तो आज नहीं तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगा ज़रूर।
और जब जरूरत पड़ता है तो भाई जरूरी नहीं कि हम भी तुरंत आपको फॉलो कर दें या तुरंत आपको रिप्लाई कर दें या तुरंत आपको फीडबैक दे दें, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है भाई। हमको भी दो चार दस मिनट का समय लग जाता है और हमारे साथ भी क्या सिचुएशन है, कहाँ है, कैसे है, कुछ पता तो है नहीं। तो ये CNG को लेकर के आपको चेंज करने के लिए हम बताएं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और कहेंगे, बैटरी जो हम बोले हैं ओरिजिनल लगाने के लिए, बैटरी ओरिजिनल लगाने के बाद टर्मिनल को जब कई बार हम लोग देखते हैं ग्रीन से मार के ठोकता है आदमी ज़्यादा अधिक, मतलब हल्का टुक 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 करे प्यार से ढीला करिए और बैटरी देखिए एकदम जड़ तक बैठना चाहिए, ये भी गलती होता है आदमी से। एकदम जड़ तक जब बैटरी बैठ जाएगा तो ही आपको बैटरी टाइट करना है, अन्यथा नहीं टाइट करना है। एक बात और कहेंगे यहाँ पे, बैटरी के ऊपर एक 10 नंबर नट लगा हुआ है और 10 नंबर नट के ऊपर से ही एक और नट लगा करके और CNG का वायर दोनों जोड़ दिया जाता है, तो ये भी कई बार धोखा देता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला फुल टाइट नहीं है, ढीला है, और उसके ऊपर वाला हमने फुल टाइट कर दिया, तो वो क्या हो कि उसको अंदर तो लॉक हो गया, मतलब सॉरी बाहर वाला हिस्सा लॉक हो गया, चूंकि अंदर का हिस्सा ढीला का ढीला ही रह गया, तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है। तो इसलिए दोनों बोल्ट हटा दीजिए और उसके बाद उसको टाइट करिए, तो जब उसको टाइट करेंगे तो बढ़िया बैटरी टाइट होता है। क्योंकि कल मेरे पास एक गाड़ी ऐसी आई थी, बारिश हो रही थी, बारिश में उसको सही किए, तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, ज़्यादा नहीं देना है। तो ऐसे कंटिन्यू वीडियो के लिए आप हमको फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, एक से बढ़कर एक वीडियो लेते रहिए CNG से जुड़े हुए। और मैकेनिकल दिक्कत भी अगर है तो कमेंट बॉक्स में आपको कुछ नया अपडेट वीडियो चाहिए तो आप हमें बताते रहिए। एक हमारे भाई का मैसेज है कि जो है कॉन्वेंशियल सेटिंग का वीडियो बनाएं, तो वो भी वीडियो आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट देते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, बाय।